आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। आज के वक्त में किसकी जिंदगी में क्या परेशानी है और किसको कौन सी बीमारी है, ये समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। ऐसे में आज ही आपने एक न्यूज जानी और वो ये थी कि सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के वजह से उनका निधन हो गया, जबकि वो काफी ज्यादा फिट, हेल्दी और बहुत ही एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करते थे। इसके बावजूद ही उनकी जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो ऐसे में सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला ही नहीं, ऐसे अभी के वक्त में अगर देखा जाए, आंकड़े अगर देखा जाए, तो बहुत सारे यंगस्टर ऐसे हैं जो कि हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। इस बीमारी के से जो है लोग शिकार होते हैं और इसका लक्षण जो है बहुत पहले से दिखने लगता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। इसके वजह से वो इस लक्षण को पहचान नहीं पाते हैं और इसको इग्नोर करने जाते हैं और आखिरकार उन्हें इसका खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। तो ऐसे में आपको इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि आखिर हार्ट अटैक के जो है क्या लक्षण है, कौन से ऐसे लक्षण है जिससे आप पहचानेंगे कि आपके हार्ट में कुछ परेशानी है और इसके लिए आपको काफी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कुछ लक्षणों के बारे में। ये है खतरनाक लक्षण। सबसे पहले है असामान्य हार्ट बीट। ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा दौड़कर आता है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, या फिर कोई व्यक्ति अचानक से अगर डर जाता है या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो भी उसके हार्ट बीट जो होते हैं वो अप डाउन होते हैं। लेकिन अगर आपके हार्ट बीट कुछ सेकंड से ज्यादा देर तक असामान्य रहते हैं और अप डाउन होते रहते हैं तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है और इसे लेकर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। दूसरा लक्षण है जबड़े, दांत और सिर में दर्द होना। आपको बता दें कि हार्ट अटैक से पहले जब कई लोगों का डाटा कलेक्ट किया गया तो ये पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक होने से पहले ये जो है ये सामान्य परेशानी देखने को मिली, जब उनके सिर में, जबड़े में और दांतों में दर्द की परेशानी हुई। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ये सामान्य तौर पर होता है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की सख्त जरूरत है। तीसरा लक्षण है कंधों में दर्द होना। अगर आपके हाथ के अलावा आपके कंधों में लगातार दर्द होता रहता है या फिर आपके कमर में भी सामान्य तौर पर आपको दर्द महसूस होता है और इसका कारण आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर को जल्द से जल्द कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें हार्ट अटैक आया है उनमें ये जो लक्षण है ये सामान्य पाए गए हैं, जिस दौरान उन्हें जो है कमर में, हाथ में और कंधों में काफी ज्यादा दर्द महसूस होता आया है। चौथा जो लक्षण है वो है लगातार खांसी। ऐसे बहुत लोगों को खांसी की समस्या होती है, क्योंकि कई लोगों का गला जो है ज्यादा जल्दी सूख जाता है तो वो लगातार खांसते रहते हैं। ऐसे में अगर आपको खांसी हो रही है तो ये परेशानी की वजह नहीं है, लेकिन अगर आपको पहले से हार्ट में कोई दिक्कत है और इसके बाद आपको इस तरीके से लगातार खांसी हो रही है और खांसी के दौरान सफेद या गुलाबी रंग के बलगम निकल रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये एक तरह से हार्ट फेलियर के लक्षण है जिस पर आपको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ पांचवा लक्षण जो है वो है सीने में जलन। अगर आपको लगातार सीने में जलन होती है और साथ ही अगर आपको बदहजमी की शिकायत है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये भी हार्ट अटैक से पहले होने वाले लक्षणों में से एक है। छठा लक्षण जो है वो है खर्राटे लेना। बहुत लोगों को नींद में खर्राटे लेने की आदत होती है, कई लोगों के लिए सामान्य बात होती है, लेकिन कई बार कई लोग बहुत तेज खर्राटे लेते हैं और इस वजह से उनकी सांस भी रुक जाती है। और ऐसे में अगर रात में कभी खर्राटे लेते वक्त सांस रुकने की समस्या लगातार हो रही हो तो फिर आपको इस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है।
सातवां लक्षण जो है वो है पसीना आना। गर्मी के वक्त में तो हर इंसान को जो है पसीना आता है, लेकिन तब भी आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्य इंसान से ज्यादा पसीना आता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको ठंडी में भी बहुत ज्यादा पसीना आता हो, या फिर कहीं आप नॉर्मल जगह पे है, सामान्य टेम्परेचर में, इसके बावजूद अगर आपको काफी ज्यादा पसीना आ रहा हो तो ये फिर चिंता का विषय बन सकता है और इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आठवां जो लक्षण है वो है उल्टी। यानी अगर आपके पेट में लगातार दर्द होता है और आपको उल्टी की शिकायत है, आप कुछ खाते हैं तो आपका जी मचलता है और बार बार आपको उल्टी जैसा लगता है, और ऐसा अगर आपके साथ सामान्य तौर पर हो रहा है या देखने को मिल रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये समस्या आगे चलकर गंभीर हो सकती है। कई सारे हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में ये पाया गया है कि उन्हें हार्ट अटैक से पहले इसी तरीके के सिम्टम्स, इसी तरीके के लक्षण जो है देखने को मिले हैं। नौवां जो लक्षण है वो है हाथ और एड़ी में सूजन होना। जी हाँ, अगर आपके हाथ और एड़ी में सूजन हो जा रही है और ये लगातार बनी हुई है, तो ये भी जो है ये बड़ी समस्या की तरफ संकेत करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है जब दिल सही तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है और किसी को दिल की समस्या होती है तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि उनके हाथ, एड़ी और पांव जो है उसमें सूजन हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। दसवां और आखिरी लक्षण जो है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है वो है सांस लेने में दिक्कत होना। अगर आपको भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर आप सांस ले रहे हैं और आपको वो सांस पूरी नहीं पड़ रही है, आपको घबराहट हो रही है, आप ठीक से सांस मतलब इन और आउट नहीं कर पा रहे हैं और इसमें आपको समस्या हो रही है, तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, क्योंकि ये भी हार्ट अटैक से पहले होने वाले लक्षणों में से एक है जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे में आपने जाना कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं और जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं उन चीजों के बारे में भी जिसके जरिए आप अपने हार्ट को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। ऐसे बनाए अपने दिल को मजबूत। कैसे रखे अपने दिल का ख्याल? तो ऐसे में सबसे पहली चीज जो है जो कि बेहद असरदार मानी जाती है वो होती है लहसुन। यानी लहसुन जो है वो आपके दिल के लिए किसी भी बीमारी के लिए रामबाण इलाज से कम नहीं है और ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि लहसुन जो है वो प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, साथ ही आपके जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है उसे भी नियंत्रण करते रहता है और आपके दिल को स्वस्थ बनाए रखने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। तो अगर आप चाहे तो एक लहसुन का जो एक दाना एक कह सकते हैं उसका सेवन आप कर सकते हैं। इसी के साथ टमाटर, टमाटर का जो रंग होता है वो लाल कलर का होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ये भी जो कोलेस्ट्रॉल है उसको नियंत्रण करने में मदद करता है और दिल को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में काफी मददगार साबित होता है। इसी के साथ जो तीसरी चीज है वो है अनार। ये अनार जो है ये धमनियों में परतों को रोकता है और इसके साथ ही ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसे उत्तेजित करता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स नहीं जमते हैं और खून का प्रभाव भी अच्छे तरीके से बना रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है। तो इसीलिए आपका जो हार्ट है इसे मजबूत बना रहता है और अनार का सेवन करना आपके लिए और आपके दिल के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी के साथ जो चौथी चीज है जिसके सेवन करने से आपका हार्ट काफी ज्यादा मजबूत बना रह सकता है वो है चिया सीड। चिया सीड में फाइबर और अल्कोहलिक एसिड पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में काफी मददगार साबित होता है और आपके दिल को मजबूत भी बनाए रखता है। इसी के साथ पांचवी जो चीज है जिसको आपको सेवन करना है वो है दालचीनी। दालचीनी अगर आप एक चम्मच रोज इसका अगर सेवन करते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है और आपके हार्ट को मजबूत भी बनाए रखता है। इसके साथ छठी जो चीज है वो है सेब, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि अगर रोज आप एक सेब खाएं तो इससे डॉक्टर आपसे दूर रहेंगे। यानी सेब जो शरीर है उसके लिए भी काफी ज्यादा हेल्दी माना जाता है, तो ऐसे में जो सेब है वो भी जो दिल है दिल के लिए काफी मददगार साबित होता है और रोज एक सेब का सेवन करने से सिर्फ ना ही आपके दिल बल्कि पूरा शरीर जो है वो काफी ज्यादा हेल्दी बना रहेगा। तो ऐसे में आपने जाना कि हार्ट अटैक के जो है वो क्या सारे ऐसे लक्षण है जो हार्ट अटैक होने से पहले होते हैं
और उन पर आपको किस तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही अभी आपने जाना कि किस तरीके से आपको अपने हार्ट को मजबूत बनाए रखना है। तो ऐसे में आप इन सभी चीजों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।